ये पूसा फार्म्स एंड फ्रिज है जिसके बारे में बताने लगी हूँ। ये 2 टन का कोल्ड स्टोर है और इस फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए है, और ये स्टोर सिर्फ सोलर एनर्जी से चलता है, सिर्फ सौर ऊर्जा से चलता है, और रात को ये इसको बैटरी नहीं चाहिए, इसको ग्रिड नहीं चाहिए, और रात में इसकी कूलिंग के लिए वाटर बैटरी बनी हुई है। तो इसमें जो स्पेशल फीचर्स हैं वो ये हैं कि इसके अंदर एयर कंडीशनर को स्प्लिट कर दिया है ताकि दिन में पानी भी ठंडा हो और हवा भी ठंडी हो जाए, और जो ठंडा पानी है वो दिन भर सर्क्यूलेट करता है एक रिजर्वॉयर में जिसको हम वाटर बैटरी कहते हैं, और उस वाटर बैटरी में जो ठंडा पानी है उससे रात को ठंडक पहुंचती है कमरे के अंदर। तो इसमें जब गर्मियों में बाहर 45 डिग्री होता है, अंदर 3-4 डिग्री हो जाता है दिन में, और रात को 10 से 12 डिग्री तक पहुंच सकता है। ये किसानों के लिए अच्छा स्ट्रक्चर है क्योंकि इसको बिजली नहीं चाहिए, कोल्ड स्टोर है लेकिन बिजली के बिना चलता है, और इसको बैटरी भी नहीं चाहिए। और ये स्टोरेज स्ट्रक्चर जैसे आपके फल और सब्जियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिस तरह से आप घर में रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं सामान, वैसे ही इस कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं। तो करीबन 4 गुना इसकी शेल्फ लाइफ हो जाती है। ये पांचवा स्ट्रक्चर है जो हमने यहाँ किसान मेला ग्राउंड में बनाया है। इसके अलावा अभी लेटेस्ट जो डिज़ाइन है वो हमने कुलकपुर गाँव में ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जो नट्स एंड बोल्ट्स से बना है, मतलब आप उसको खोल के कहीं और भी लगा सकते हैं। 5 किलोवाट का सिस्टम है। इससे पहले हमने राजस्थान में पिचोलिया में, हरियाणा में चमरारा गांव में, और दिल्ली में ये स्ट्रक्चर बनाया है। तो इसमें आप जो फ्रूट वेजिटेबल रखते हैं, जैसे आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं उसी तरह से आप इसमें रख सकते हैं। जैसे आलू 75 दिन, टमाटर 20-25 दिन, और जो सब्जियां हैं जो लीफी वेजिटेबल हैं अमरिंथ वो 10-15 दिन, जैसे आप बाहर रखते हैं या किसी और कमरे में रखते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा इसकी शेल्फ लाइफ है इस कमरे में। तो ये 2 टन का है। इस कमरे का साइज़ 10x10x11 फीट है, और इसको बनाने में खर्चा करीबन 8 लाख के करीब आता है, जिसमें सोलर पैनल का खर्चा और रेफ्रिजरेशन सिस्टम का वो सारा इंक्लूडेड है। तो जहाँ पे बिजली नहीं है किसानों के, जहाँ खेत हैं जहाँ बिजली 24 घंटे आती नहीं है, कई खेतों में सिर्फ 8-8 घंटे बिजली आती है 24 घंटों में से, वहाँ ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है। और कोई इसको व्यवसाय के रूप में भी शुरू कर सकता है, इसमें से कमा सकता है अंदर रख के सामान, जैसे कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का जो डॉक्यूमेंट है उसमें सब्सिडी बताते हैं कि कोल्ड स्टोर के लिए है, इवेपोरेटिव कूल रूम के लिए है, सौर ऊर्जा के जो इक्विपमेंट है उनके लिए है, वैसे ही सब्सिडी उसी उन सब कैटेगरीज में ये स्टोर भी आता है। तो क्योंकि सौर ऊर्जा से चलता है, इसमें भी इवेपोरेटिव कूलिंग है, जो बाहर आप देख रहे हैं वो कपड़ा है जो गीला रहता है उससे घड़े जैसा काम करता है, पहले ही कमरा ठंडा किया जाता है उसके बाद सौर ऊर्जा से रेफ्रिजरेशन ऐड की गई है। तो हाँ, सब्सिडी इसमें पॉसिबल है, देखी जा सकती है।